बूंदी जिले में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नैनवा में और डबलाना थाना क्षेत्र में काफ़ी माता जी के मंदिर में चोरी, शिव मंदिर में चोरी, इसके अलावा जो घरों में बड़ी नकबजनियाँ हुई थी, कुछ वारदातें हनुमान जी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में, ये नैनवा घटनाएं थी। तो मंदिरों की सोने चांदी के जो छत्र है वो चुराने की 3-4 वारदातें हुई थी। उन्हीं वारदातों को हम जब सीरियसली उसका जिला स्तर पे मॉनिटर कर रहे थे तो उसमें हमने 4 मुलजिमों को इसमें जो है वो आज गिरफ्तार किया है। इसमें एक रमेश है जो भीलवाड़ा ज़िले के कोटड़ी थाना क्षेत्र का है, दूसरा हजारी है जो शक्करगढ़ मनोहरपुर विलेज है हम भीलवाड़ा ज़िले में, तीसरा मिश्री लाल है जो पारोली का रहने वाला, चौथा लुंगा है जो पारोली का रहने वाला है। ये शातिर एक कालबेलिया गैंग है जो रात्रि को शराब पी करके बड़े जो धार्मिक मंदिर हैं उन धार्मिक मंदिरों पे ये हमला करते हैं और वहाँ जाके पुजारी के साथ मारपीट करते हैं और वहाँ पे जो भी सोने चांदी के छत्र वगैरह हैं वो लूट लेते हैं, या अगर सोना मिला तो उसमें नकबजनी कर लेते हैं। बाहर के जो बड़े जो घर हैं घरों में घुस के नकबजनियाँ करते हैं, लोकल वेपन ये वहाँ पर यूज करते हैं और अगर सामने आमना सामना भी करते हैं और ये फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और मौके से ये फरार हो जाते हैं। चोरी का जो माल या लूट का जो माल है वो ये माल जो ये कह करके किसान बन के और अपनी समस्या बता करके कोई शादी विवाह के लिए और कोई परिवार में आयोजन करने के लिए ये आप चोरी का माल ये बेचते हैं। हमने अभी तक हमारे ज़िले में इसमें 7 वारदातों में इनको हमने आज गिरफ्तार कर लिया और कुल मिला करके इनकी 1.5 दर्जन से अधिक वारदातें इन्होंने कबूल की है। इनके और भी साथी हैं, इसके अलावा दूसरे चित्तौड़ के भी कुछ और साथी हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी कुछ इनके साथी हैं जिनके बारे में भी हम उनसे और पूछताछ करके और बाकी हमारे ज़िले की हम जो वारदात हमने सब में इसको गिरफ्तार कर लिया, सभी चोरी का माल बरामद करेंगे, चोरी और लूट का। बाकी जो भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, इन जिलों की 4 जिलों की और 3 रेंजों की इन्होंने वारदातें, दर्जनों वारदातें इन्होंने कबूल की हैं जिनका घटनास्थल ये सब बता सकते हैं। बाकी इनके साथियों को भी हम और राउंड अप करके चोरी, नकबजनी और लूट की वारदातें उन पर पूर्णतः हम अच्छा वर्कआउट करके केसेस में बरामदगी करेंगे। में पहले से हैं, जैसे इसमें एक रमेश है आलोद में मूर्ति चोरी में, पहले ये गिरफ्तार हो चुका है। ये इनको डिटेल में दिखाना पड़ेगा, हर जगह अलग अलग नाम से अपना नाम बदल बदल करके गिरफ्तार होते हैं तो इसलिए इनकी सही शकुनत और वल्दियत का पता नहीं लगता है। तो इसमें इनका फोटोग्राफ लेके उठ के फुटप्रिंट लेकर के अब उसका CCTN के माध्यम से इनको और हम उसको वेरीफाई कराएंगे चीज़ों को और कहाँ कहाँ इनके खिलाफ प्रकरण है।